तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग के बीच आपका भाई मेहता भसान फिर से लौट के आया है एक नया टॉपिक पे बात करने, जो कि जाने वाला है, जो वीडियो होने वाला है, जिस टॉपिक पे बात होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और खास करके अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम्स, तो गाइस मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और टिप दूंगा अगर आपको एग्जाम पे पास करना है, एग्जाम पे अच्छा मार्क लाना है, और एग्जाम के लिए अगर आप डरते हो तो प्लीज मेरे वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स दूंगा। तो गाइस, देर ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो पे, और जिस टॉपिक पे बात करेंगे चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो गाइस, मैं एग्जाम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट खास बात। तो पहले मैं शुरुआत करते हूँ, एग्जाम्स होता क्या है। अगर आप 9th पे हो, 8th पे हो, 7th पे हो, 10th पे हो, मैट्रिक देने वाले हो, या फिर आप 12th पे हो, हाई सेकेंडरी देने वाले हो, कोई बात नहीं। आपका बात ऐसा होता है कि आप कौन सी क्लास पे पढ़ते हो वो कोई बात नहीं करता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना नहीं चाहिए, पहले ही पढ़ लेना चाहिए है। अगर आप थोड़ी देर पहले एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले स्टार्ट करते हो तब भी आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एग्जाम के बहुत ही पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तभी से स्टार्ट करोगे स्टडी करना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली हम बात करेंगे एग्जाम पे बैठने समय और एग्जाम पे बैठते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम के टाइम बहुत सारे दिखा जाता है कि टीचर्स बोलते हैं कि तुम एग्जाम से पहले, एग्जाम देने के पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको देखने को बोलता है कि क्वेश्चन पेपर बारीकी से एक बारीकी से, मतलब एक नंबर से लास्ट क्वेश्चन तक आपको पढ़ने के लिए बोलता है आपका टीचर। लेकिन प्लीज़ मेरी तरफ से यही बोलना चाहता हूँ, मैं ये सलाह देना चाह रहा हूँ आपके भलाई के लिए, आपका एग्जाम अच्छा जाने के लिए, कि आप कभी भी एक गलती मत कीजिएगा। आपके टीचर बोलता है ऐसा तो आप उनको कुछ मत बोलो, लेकिन आप ये ट्रिक्स फॉलो मत करो कि एग्जाम से पहले आप क्वेश्चन पूरा फर्स्ट से लास्ट तक देखो, ऐसा कभी मत करो। मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कभी मत देखो। जब बेल पड़े तो आप एक, मतलब पहले से एक बारीकी से नंबर 1 क्वेश्चन से लेके आपको करना पड़ता है कॉपी पे, तो एक साइड से करके जाओ। अगर ऐसा करके जाओगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। क्वेश्चन पेपर आपको देखने पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आप फर्स्ट टू लास्ट तक क्वेश्चन पहले ही देख लेते हो तो आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि मुझे तो वो क्वेश्चन पता नहीं है, मुझे तो लास्ट का क्वेश्चन पता नहीं है, मुझे तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 10 मार्क है वो मुझे पता नहीं है। तो ऐसा होने से आपको ज़्यादातर दिखा जाता है कि नर्वस फील होता है। और अगर आपको क्वेश्चन देख लो पहले ही आपको नर्वस फील हो जाए तो एग्जाम पे क्या लिखोगे, और लिखोगे तो फिर भी आपको गलत होगा ना, और आपको नर्वस फील होने से कुछ काम पे आपको बेनिफिट नहीं होता है और अच्छा भी नहीं होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कभी भी देखना नहीं चाहिए। तो पहली पॉइंट ए गई, और दूसरी पॉइंट ए होता है कि आप अगर फर्स्ट टू लास्ट तक क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेते हो तो आपको ऐसा होता है कि बीच में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक ही लेसन का है, एक ही लेसन से 2 क्वेश्चन आया है, दोनों सिमिलर जैसा लगता है, एक ही जैसा लगता है, तो उसमें आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इसका आंसर है या उसकी आंसर है, मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में ऐसा आपको कंफ्यूज होता है। बहुत ही अक्सर मैंने देखा है और मेरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, आम बात है। दूसरी बात, आपको कभी भी एग्जाम्स के लिए मतलब डरना नहीं है। डर तो सबको लगता है एग्जाम आने वाला है, ऐसा फील होता है, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम को आप ज़्यादा सीरियस मत लो, और उतना भी मतलब अनसीरियस होके मत रहो कि आपका एग्जाम ही खराब हो जाए। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सीरियस हो जाए, लेकिन उतना भी सीरियस मत हो कि आपका एग्जाम खराब हो जाए, आपके डर के चक्कर में आपका पढ़ना ही नहीं ना हो। तो प्लीज़ गाइस, एग्जाम्स के टाइम पढ़ो, और आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि एग्जाम के पहले ही आपको सारा के सारा पढ़ के क्लियर हो जाना चाहिए, और एग्जाम के पहले दिन
आपको रात सारी रात हो सके या सारे दिन हो सके आपको रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने से ऐसा होता है नेक्स्ट डे जब एग्जाम पे बैठते हो तो रिवाइज के टाइम सब कुछ याद आ जाता है, रिमाइंड करके आपको मतलब आसानी से लिख सकते हो आप। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के पहले के रात आप पढ़ाई करके कुछ भी रिमाइंड नहीं कर सकते हो, उस टाइम आप सिर्फ रिवाइज करो और पहले से ही पढ़ के सब कुछ क्लियर करो। तो पहले से अगर आप क्लियर करोगे तो आपका ही फायदा है, आपके लिए ही बोल रहे हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम खुदा ना करे ऐसा हो जाए कि आपका बीमार हो गया या घर पे कुछ हादसा हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आपको बहुत ही तब आप पढ़ नहीं सकते हो। तो बहुत ही अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम आपको एग्जाम के डर के चक्कर पे आपका मतलब बीमार हो जाता है, तो बीमार होने के टाइम आप पढ़ नहीं पाते हो, तो फिर इस चक्कर में आपका एग्जाम खराब जाता है। तो इसलिए पहले ही आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ये रही बात। और दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम पे बैठते हो तो कॉपी पे कभी भी ऐसे मत लिखो कि मतलब जो आपका मार्कशीट मतलब आपका कॉपी शीट जो दिखेगा आपका टीचर उसको खराब ना लगे दिख के और उसको मतलब फालतू ना लगे, बेकार का चीज़ ना लिखे, ऐसा कुछ मत लिखो। हो सके तो उस जिस क्वेश्चन को पूछा जाता है उस क्वेश्चन के रिलेटिव कुछ लिखो, उस क्वेश्चन से जो जुड़ा हुआ है वैसा कुछ लिखो, नहीं तो आपका जो मार्कशीट आएगा उसमें आपका नंबर मतलब खराब आएगा, नंबर कम ही आएगा, क्योंकि आपके टीचर को आपको इम्प्रेस करना है। तो आप हमेशा सच बात लिखिए और जो क्वेश्चन से रिलेटिव है उसको लिखिए। तो ये सब होता है एग्जाम्स के टिप्स। और मैं बात करने जा रहा हूँ अगर आप मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो फिर आपको एक बात बोलना ज़रूरी है कि मैट्रिक पे आपका 6 सब्जेक्ट होता है, तो 6 सब्जेक्ट से अगर आप 5 सब्जेक्ट पे अगर लेटर मार्क भी लाओगे या फर्स्ट डिवीजन का मार्क लाओगे और एक सब्जेक्ट पे अगर फेल हो गया तो आप फेल, मतलब आपका सारा जो मेहनत है सब बेकार गया, नीलाम गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट मिला के पढ़ो और चाहे आप 6 में 40 करके पाओ या 50 करके पाओ वो आपके बात है, लेकिन 6 के 6 सब्जेक्ट पे आपको पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 5 सब्जेक्ट पे अगर लेटर मार्क लाओगे कोई फायदा नहीं है, आपका सारा मतलब साल का मेहनत बेकार जाएगा। तो गाइस मैं इस पे ज़्यादा बात बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना ही याद रखो कि एग्जाम्स के टाइम डरना नहीं है और एग्जाम्स को कभी भी उतना भी सीरियस मत लो। और हमने भी बहुत सारे देखा है कि एग्जाम्स को लेके कोई सीरियस हो जाता है तो तब 1-2 साल ड्रॉप दे देता है, तो प्लीज़ एग्जाम्स के लिए ड्रॉप मत दो। हो सके तो 6 सब्जेक्ट मिला के पढ़ो और पास करो, एटलीस्ट आपका 1 ईयर या 2 ईयर बस मतलब बच जाएगा। तो इसलिए यही बोल रहा हूँ कि ड्रॉप मत दो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा काम का लगे और एग्जाम्स के बारे में जो टिप्स बताया है उसको याद करोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आप एग्जाम्स पे पास करोगे, क्योंकि ये सब एग्जाम्स पे बोर्ड के एग्जाम्स पे पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर मेरी वीडियो कोई काम के लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सभी लोग शेयर करोगे तभी मेरा वीडियो सभी तक पहुंचेगा, सभी को इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।